तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पांच ऐसी स्टिपुलेशंस की जो के ऐड हो सकती हैं एज स्टाइल वर्सेस के नाकामुरा के मैच में एट मनी इन द बैंक। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताजो आपको ऐसी न्यूज रूमर और इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती रहे WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आप सभी लोगों ने देखा कल स्मैकडाउन लाइव में जब शिंसुके नाकामुरा हरा देते हैं एजे स्टाइल को और अब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो अपनी मर्जी की स्टिपुलेशन डाल सकते हैं इस मैच में। तो हम बात करेंगे उन स्टिपुलेशंस के बारे में जो कि शिंसुके नाकामुरा ऐड कर सकते हैं इस मैच में। जहां पर सबसे नंबर वन पर आती है WWE चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच। अगर होगा WWE चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच तो हमें उसमें बहुत मजा आएगा देखने में और हमें वहां पर कोई भी सुपरस्टार इसे जीतते हुए दिख सकता है। और सेकंड स्टिपुलेशन है जो कि ऐड हो सकती है इस मैच में वो है हेलेना सेल की। जब एजे स्टाइल का इंटरव्यू हुआ था स्मैकडाउन लाइव में तब उन्होंने बताया कि मैं अगर जीतता हूं तो मैं हेलेना सेल जैसी बड़ी स्टिपुलेशन को ऐड करूंगा इस मैच में। तो वो तो नहीं जीते लेकिन शायद ये स्टिपुलेशन भी ऐड हो सकती है इस मैच में। तो थर्ड स्टिपुलेशन की ओर बढ़ते हैं जो के है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैन की। तो आप सभी लोगों ने देखा बैकलैश में बहुत उन दोनों को काउंट आउट हो गया और वहां पर कोई भी विनर नहीं रहा। तो शायद रवि भी उस मैच को ध्यान में रखकर इस मैच में स्टिपुलेशन ऐड करे लास्ट मैन स्टैंडिंग की। और फोर्थ स्टिपुलेशन है जो के ऐड हो सकती है इस मैच में वो है स्ट्रीट फाइट की। तो हमें काफी समय से इन दोनों सुपरस्टार के बीच राइवलरी देखने को मिल रही है और WWE इस राइवलरी का एंड बड़े धमाके से करना चाहेगी और हमें क्या पता हो इस मैच में बड़ी स्टिपुलेशन स्ट्रीट फाइट की ऐड होते हुए दिखाई दे। और फाइनल यानी के जो के आखिरी स्टिपुलेशन बचती है जो के ऐड हो सकती है इस मैच में वो है इन्फर्नो मैच की। तो हमें काफी समय पहले इन्फर्नो मैचेस देखने को मिले थे और उसके बाद हमें कभी भी इन्फर्नो मैच देखने को नहीं मिला। और जब एजे स्टाइल का इंटरव्यू हो रहा था तब उन्होंने हेलेना सेल के साथ इन्फर्नो मैच का भी नाम लिया था और क्या पता शिंसुके नाकामुरा इसी स्टिपुलेशन को ऐड कर ले अपने मैच में जाके हमें जबरदस्त मैच देखने को मिले एट मनी इन द बैंक। तो गाइस ये थे वो पांच स्टिपुलेशंस जो के ऐड हो सकते हैं इस मनी इन द बैंक मैच में। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप कौन सी स्टिपुलेशन ऐड होते हुए देखना चाहते हैं इस मनी इन द बैंक मैच में। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।